वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे स्रोतियां नू मेरे मनिंदर कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी किताब शुरू करन जा रहे हाँ जिसका सिरलेख है सिख इनकलाब ते दे लेखक जगजीत सिंह। उल्थे बारे दो अखर। सिख इनकलाब बेमिसाल इनकलाब सी। भारत विच्चों उपजी एक भी होर लहर नहीं जिसने राजसी सत्ता उत्ते गरीब जनतक हितां लई कब्जा करन दा निशाना अपनाया होवे। होर मुल्कां विच होए इनकलाबां नालों सिख इनकलाब इस करके विशेष है कि इसने सारे पद्धरां इखलाकी भाईचारक अते राजसी उत्ते मनुखी बराबरी ते आज़ादी कायम करन दा यतन कीता। इस तों इलावा होर मुल्कां विच किधरे भी जात पाती प्रबंध नहीं सी जिस दा किसे इनकलाब नूं मुकाबला करना पिया होवे। किसे इनकलाब दी परख सिर्फ इह वेख्या नहीं होनी चाहीदी कि उह कितना ज़्यादा फैलिया। इह पाड़ नापना भी जरूरी है कि किस नीवें पद्धर तों किस उच्चे पद्धर तक पुज्जा। 75 तों 100 तक अपड़ना होर गल है अते नफी जां सिफर तों 75 तक भी अपड़ना होर गल। इह है साडा दो अखरां विच इनकलाबी विरसा जिस उत्ते हर कोई माण कर सकदा है। इह है साडी इनकलाबी इतिहासक विरासत जिस नूं असां खासकर गरीब जनता ने क्योंकि इह उहनां दा अपना इनकलाब सी ने समझना है अते समझ के माण करना है। पर इस इतिहासक विरासत नूं विज्ञानक ढंग नाल समझण दी लोड़ है क्योंकि विज्ञानक ढंग ने बिना पड़चोल कीतियां साखियां कहानियां दे आधार उत्ते लिखे इतिहासां नूं हलूण दिता है। विज्ञानक पड़चोल इतिहास नूं दलील नया निरपक्ष उगाहियां नुक्ता चिन्नी आदि दी कसवट्टी उत्ते परखदी है। इस ढंग नाल लिखिया इतिहास आम जनता लई समझना कुछ कठिन जरूर हो जाता है पर जे जनता ने अपनी विरासत की कदर करनी है तो होर कोई तरीका नहीं। अंग्रेजी विच लिखी गई द सिख रेवोल्यूशन किताब दा पंजाबी विच एह उल्था हाजिर करन दा मुख मंतव ही आम जनता नूं उना दी विरासत तो जाणू कराउण दा है। उल्था करन लई शब्दावली चुनन वेले सानूं दो राहे दा सामना करना पिया है। मुश्किल मजमूना नूं व्याखण लई नरोल पंजाबी शब्दां दी घाट है। इस घाट नूं पूरा करन लई संस्कृत नुमा हिंदी सौम्या तो शब्द लैके प्रचलित किते गए हन। इस राह उत्ते चलन दे दो स्पष्ट नतीजे हन। एक तां इह राह जात पाती परंपरा नाल जोड़दा है क्योंकि बोली किसे सभ्यता नूं फैलाउण दा वड्डा वसीला है। मध्यजुगी भगतां ते सिख गुरुआं ने संस्कृत त्याग के बिना कारण लोक बोलियां नूं नहीं सी अपनाया। ना ही पंडित जवाहर लाल नहरू अते परशोत्तम दास टंडन विचकार कौमी बोली बारे मतभेद बेबुनियादे सन। दूजा नतीजा इस किस्म की घड़ी शब्दावली आम जनता नूं विद्या दे विस्थार तों वांझिया रखदी है। असी इन्हां दोवां नतीजियां नूं ठीक नहीं समझदे क्योंकि इह सिख लहर दे दोहां मुख निशानियां जात पात विरोधी ते जनतक हितां दे उल्ट जांदे हन। दूजे राह उत्ते चलन अर्थात सधारण बोली वरतन विच वी सानू पूरी कामयाबी नहीं हुई। मुश्किल मजमून नू बयान करन लई पंजाबी शब्द लभणे जां घड़ने अपने आप विच इक मुश्किल काम है पर असां इसे सेध उत्ते चलन दा यतन कीता है। बोली नू सरल रखण खातर कई थाई भावां दीआं बरीकियां नू वी नज़रअंदाज करना पिया है। इन बिन उल्था नहीं कीता। पुस्तक दा आकार घट करन लई अंतका नहीं दित्तियां गईयां। आस है इस नाल पाठकां नू लहर दी मुख रूपरेखा समझण विच खास घाट नहीं पवेगी। हवाले रेफरेंसेस बहुते अंग्रेजी किताबां अते रसालियां विचों हन। इस वास्ते अंग्रेजी विच ही दे दित्ते गए हन। सरदार गुरदीप सिंह अते प्रोफेसर हिम्मत सिंह सोढी दा उल्था करन विच हथ वटाउण लई धन्नवाद है। जगजीत सिंह गाजियाबाद अप्रैल 1982। कांड पहला जान पछाण।
सिख लहर दे कई विशेष चिन्ह हैं। फ्रांस का इनकलाब 1799 ईस्वी में शुरू होया। खालसा इस तो 90 साल पहला 1699 ईस्वी में साजिया गया। फ्रांस की जुगगर्दी विच कारली जमात ने शुरू की, इसनों पिछों धक्कण वाली जो ताकत सी ओह सी गरीबों का सबबी पैदा होया उभार। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सोची समझी प्लान मुताबक खालसा इस मतलब लई साजिया कि दबाई हुई जनता समेत अछूतों के राजसी ताकत अपने हाथ विच लवे। फ्रांसीसी इनकलाब के पहले दौर विच 1799 तो 1792 तक विचकारली जमात विशेष हक्कां वाली चोणवी जमात बन गई और इसने उदों तक चली आ रही विशेष हक्कां वाली जागीरदारी सरदारी जमात की थां मल लई। जो खालसे दे पहली बार राजसी ताकत हथ आई तो हिंदू समाज दीयां नज़रां विच जो सब तो नीवें सन वह राजसी सत्ता विच बराबर दे भाईवाल बने। गुरु नानक साहिब ने अपने मिशन का प्रचार 1486 ईस्वी के करीब शुरू किया। मिसलां 1769 विच कायम होया। इस पौने 300 साल के करीब के समय विच जिस समय नाल इस किताब का संबंध है, सिख लहर लगातार तीन निशाने पूरे करन विच जुटी रही। पहला निशाना सी मनुख जाति की मुकम्मल आजादी ते बराबरी के आदर्श का प्रचार। दूसरा निशाना सी इस आदर्श दियां नीहां उत्ते एक नवा समाज सिख पंथ उसारना। तीसरा निशाना सी पंथ नूं राजसी इनकलाब लियाउण दा वसीला बनाउणा। जिस दृढ़ता ते विश्वास नाल बड़े लंबे अरसे तक इस उत्तम पर कठिन मिशन नूं पूरा करन लई यतन कीता गया, उस दे नतीजे वजों सिख लहर दा अपना निराला रूप बन गया। जितना चिर असी जात पाती प्रबंध जिस दे आसरे हिंदू समाज खड़ा सी दे असले नूं ध्यान विच ना रखिए, उदो तक असी सिख लहर दी करनी दा सही मुल नहीं पा सकते। भारत विच एक भी होर ऐसी लहर नहीं उठी जिसने इस आदर्श नूं अपनाया होवे कि राजसी ताकत दरअसल जनता दा अधिकार है। राजसी ताकत जनता दे हथ काबू करन लई अगों घोल करना तां फिर होर दूर दी गल सी। इसे तरह एक भी होर लहर सिख लहर तो बगैर जात पाती सोसाइटी तो बाहर निकल के बिल्कुल एक अडरी सोसाइटी बनाउण विच कामयाब नहीं हुई। केवल बोधियां ने बनाई सी पर बोधी सोसाइटी केवल बोधी भिक्षुआं तक सीमित सी अते यह बहुत पुराने बीत चुके समय की गल है। जात पात कास्ट अपने पूरे जोबन विच एक ऐसी समाजिक बनतर है जिसकी मिसाल दुनिया विच नहीं मिलती। यह ऐलानिया इस असूल उत्ते कायम है कि मनुख हमेशा लई एक दूजे दे बराबर नहीं। जात पाती प्रबंध वर्गी मनुखां विचकार ना बराबरी ते दर्जा बदरज नू कायम रखण वाली बेलचक समाजिक बनतर होर किधरे होंद विच नहीं आई। विल्सम ने विस्थार नाल लिखिया है कि जात पाती नियम ते कायदे किवें एक जीव दे जम्मण तों लैके मरण तक उस दियां जिंदगी दियां निगूणियां तों निगूणियां हरकतां उत्ते काबू रखते हैं। तपस्वियां साधुआं अते फकीरां वर्गियां तों छुट कोई भी आदमी सनातन धर्मी नहीं सी रह सकदा जितना चिर ओह किसे ना किसे जात दा मैंबर ना होवे। जात पात ने समुचे हिंदू समाज अते इस दियां सारियां समाजिक राजसी ते आर्थिक कारवाइयां नूं अपने दायरे विच घेरिया होया सी। जात पात एक महान शक्ति सी, इसने दरिया दे कंडियां वांग ओह समाजिक कंडे नियत कीते होए सन जिन्हां दी हदबंदी अंदर रह के भारती भाईचारक राजसी ते आर्थिक वहन वगदा सी। इस वहन ने केड़ी सेध विच जाना है यह भी जात पाती नियत कर दी। जात पाती ने जात पाती रुतबे नू आर्थक ते राजसी रुतबियां दे मुकाबले उचेरी गद्दी उत्ते विराजमान कर दिता। जात पाती ने जिस तरह समाज नू जातां विच वंड के एक दूजे तो अलग रहण वाले समाजिक डब्बे जां खाने बनाए हुए सन, इसे नमूने उत्ते इसने मुल्क दी आर्थक बनतर नू
ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਬੇਰੋਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੱਧਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਘੇੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਚੀੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਖਤਾ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਖਤਾ ਧੜੇ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸੱਬ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਲ ਫੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਲਹਿਰਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਾਂ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਗੁਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਕਈ ਥਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਂ
सनातनी प्रबंध कहा गया है। ब्राह्मणवाद या नवीन ब्राह्मणवाद अर्थात ब्राह्मणवाद ने जो पुराणा दे समय शकल फड़ी ठुले शब्दों विच आपस विच घ्यो खिचड़ी होई होई उस समाजिक ते धार्मिक विचारधारा का नाँ है जो जात पाति प्रबंध ते ब्राह्मण जात ते इसके साथियों के हितों लई वरती गई। होर भारू जातां मिसाल वजो कछत्रियां ते राजपूतां ने ब्राह्मणवाद का साथ दिता पर इसकी विचारधारा घड़न विच नाम तरीक हिस्सा पाया। इस वास्ते इन्हां वल्लों वक्रे तौर उत्ते अदा किते पाठ का मुड़ मुड़ निखेड़ के जिक्र नहीं किया। इन्हां भारू जातां की कारगुजारी नूं ब्राह्मण जात या ब्राह्मणवाद की कारगुजारी विच ही शामिल होया समझ लिया गया है। इतिहासक कारणा करके नवीन ब्राह्मणवाद ते हिंदू मत इक्को वस्तु दे दो ना प्रचलित हो गए हैं, पर अज कल दा हिंदू मत ओहो जिहा नहीं रहा जैसा सिख लहर दे समय सी। साइंसी ते मशीनी तरक्की सरमाएदारी प्रबंध ते कीमतां विद्या दा वाधा पंचायती राज विधि अते दुनिया विच अग्गे वधू शक्तियां दा बोलबाला इन्हां सब अंसरां ने मिल के ऐसियां समाजिक राजसी ते आर्थिक शक्तियां पैदा कीतियां हन जो एक दिन जात पाती प्रबंध ते इसकी विचारधारा नूं जरूर बदल के रख देणगियां। इस बन्ने तब्दीली होनी शुरू हो भी गई है। सगों हिंदू अते हिंदू मत शब्दां दे भावां विच हुण जात पाती रंगत घटती जा रही है अते राजसी रंगत विच वध रही है। हुण बोधियां ते जैनियां नूं हिंदुआं विच शामिल करन दी कोशिश अते इन्हां मतां नूं हिंदू मत विच पर सानू अपनी लिखत विच हिंदू अते हिंदू मत शब्द वरतने पए हन, खासकर जिथे हवाले देने सन। इस वास्ते असां जिथे किते हिंदू ते हिंदू मत दे शब्द वरते हन उन्हां दा मतलब उस नवीन ब्राह्मणवाद तो समझना चाहीदा है जो सिख लहर समय चालू सी। ऐसे सिलसिले विच असीं एक होर जिक्र कर देना चाहते हाँ। जात पाती प्रबंध का समाजिक तौर उत्ते पिछा खिचू होना एक ऐसी हकीकत है जिस तो इनकार नहीं हो सकता। सानू उन्हां भारती लहरां उत्ते माण होना चाहीदा है जिन्हां ने इस समाजिक बुराई का मुकाबला किया। इन्हां विच्चों एक बुद्ध धर्म की लहर सी ते दूसरी सिख लहर। अपने भूतकाल के विरसे उत्ते माण ता ही जायज़ है जे यह सानू मनुखता की भलाई लई काम करन दी प्रेरणा ते शक्ति देवे। सगों सब लहरां सने इस्लाम दे जिसने समाजिक बराबरी लियाउण विच बहुत हिस्सा पाया जेड़ियां मनुख जाति की तरक्की लई चलियां सारी दुनिया का सांझा विरसा हन। सानू अगे वधू लहरां नू फिरकू ते संप्रदायी तस्बी ते पक्षपाती दृष्टिकोण तो नहीं वेखना चाहीदा। कांड दूजा जात ते जमात। जमात नूं आर्थिक हितां दी सांझ जन्म देंदी है पर जात मुख तौर उत्ते ब्राह्मणवाद दी साजना है। ब्राह्मणवाद ने यह सिद्धांत थापिया कि मनुख अपने गुणा औगुणा करके नहीं सगो अपनी पैदाइश करके उच्चे नीवें हन ते सदा रहणगे। जे एक आदमी दा जन्म उच्ची जात विच होया है तां ओह उच्चा है भावें ओह चोर डाकू ते लुच्चा क्यों ना होवे। जिसका जन्म नीवी जात विच होया है ओह नीवा है भावें ओह कितने ही उच्चे आचार दा मालिक क्यों ना होवे। जात आर्थिक हितां दीआं वट्टां टप जांदी है। जमात ते जात आपस विच नहीं मिलदे ना अपने असले विच ना कुदरती झुकावां मुताबक अते ना विकास अनुसार। जिहड़ियां जातां इक्के जमात नाल संबंध रखदियां हन ओह एक दूजे नालों साफ तौर उत्ते निखड़वियां दसदियां हन। ओह अपने आर्थिक हितां दी सांझ दी परवाह ना करदिआं होइआं एक दूजे तो निखड़ के रहण लई पूरा तान लाउंदियां हन। पुराणियां सभ्यतावां वाले दूजे मुल्कां दीआं समाजिक बंतरां दे मुकाबले भारत दा जात पाती प्रबंध बिल्कुल अनोखी समाजिक बंतर है। जिथे होरना सोसाइटियां विच भाईचारक विकास ने जमातां दी शक्त फड़ी केवल भारत विच इसने जात पाती प्रबंध दा सरूप धारिया।
एक राखवें पेशे जा जद्दी जमात नालों भी ब्राह्मणवाद अनुसार बनी जात बहुत न्यारी है। जिन्हां मुल्कां जिवें रोमन कैथलिक यूरोप विच पुजारी जमात दे रुतबे ते हक बहुत राखवें बने हुए हन, उत्थे भी पुजारी होना एक पेशा प्रोफैशन है अते इस विच कौम दे हर तबके दे आदमी शामिल हो जांदे हन। इस तरह उन्हां बहुते मुल्कां विच जिथे सरदारां दी जमात जद्दी हुंदी उत्थे भी बादशाह जनता दे एक सधारण आदमी नूं सरदार थाप देंदा। पर जात पाती प्रबंध विच ना केवल जात जद्दी ही हुंदी है, यह बदली भी नहीं जा सकती। जात ते जमात विचकार जो अंतरा है उस दीयां बरीकियां विच जाना साडा मनोरथ नहीं। साडी पड़चोल लई इतना ही काफ़ी है कि यह पाड़ बहुत वड्डा सी, इतना वड्डा कि इस अंतरे ने समाजिक विकास दे मुहान अड अड दिशा वल कर दते। जात पाती हिंदू सोसाइटी दे विकास दा एक बन्ने अते जमात दे आधार उत्ते होर मुल्कां दे होए समाजिक विकासां दा दूसरे बन्ने। इतिहास दा समाजिक विकास नाल गूढ़ा संबंध है, इसलिए हिंद दे इतिहास नूं उसे तकड़ी विच नहीं तोलिया जा सकता जिस विच होर देशां दा इतिहास तोले जांदे हन। यह गुर हमेशा ध्यान विच रखना वाला है। सिख लहर दी रूपरेखा समझन लई तां यह खास तौर उत्ते जरूरी है कि जात पाती दी चाल ढाल नूं गिणिया मिथिया जाए। पहला, एक अनोखा विस्थार। कुछ होरना सोसाइटियां विच भी कदे ना कदे जात पाती दे चिन्हां नाल माड़े मोटे मिलदे जुलदे चिन्ह मौजूद सन। ईरान दी पहले समय दी वसों भारत दे चार वर्णा नाल मेल खांदे चार पिशतराश विच वंडी हुई सी। पुराने असीरियां ते मिस्र विच अडरे अडरे पेशियां वालियां नू आपस विचकार शादी करन दी मनाही सी। गोगट लिखदा है कि असीरियां दी सल्तनत विच जनता कई कबीलियां विच वंडी हुई सी अते पेशे जद्दी सन, अर्थात बच्चियां नू अपने मापिया का पेशा त्याग के होर पेशा अपनाउण दी आग्या नहीं सी। यह पता नहीं कि यह प्रबंध किसने बनाया ते कदों, पर यह धुर कदीमा तो सारे एशिया ते होर मुल्कां विच राजसी सी। हटन ने बहुत सारिया मिसालां दित्तियां हन जिन्हां दे चिन्ह जात पाती प्रबंध नाल बहुत नेड़ियों मिलदे हन। उसने जात पाती प्रबंध दे कई पहलुआं नाल मिलदियां मिसालां दित्तियां हन, पर असी इत्थे सिर्फ उन्हां उगड़वियां मिसालां दा जिक्र करांगे जो भारती अछूतां नाल मिलदियां हन। मिस्र विच सूरां नूं पालण वाले किसे मंदर अंदर नहीं सी वड़ सकदे अते उन्हां नूं अपने भाईचारे दे अंदर ही शादी करनी पैंदी। अफ्रीका दी उत्तर पूर्वी नुक्कर विच समाली लोक वसदे हन, उन्हां विच जद्दी लुहार अडरियां बस्तियां विच रहिंदे सन। कोई मसाई किसे लुहार नूं बगैर दंड दे भागी होण दे जानू मार सकदा सी, पर लुहार मसाई नूं नहीं सी मार सकदा। कोई मसाई लुहारां दी बस्ती दे लागे नहीं सी ठहरदा। लुहार जो चीज़ां घड़ दे उह अपवित्र समझियां जांदियां अते उन्हां नूं वरतन तों पहलां ग्रीस ला के शुद्ध कीता जांदा। रात वेले लुहार दा शब्द भी मूहों ना कढ़िया जांदा इस डर तों कि शेर बस्ती उत्ते हल्ला ना कर दे। अफ्रीका दे दूसरे बन्ने ईबू सोसाइटी विच उसू वसदे हन। उसू आजाद ईबुआ नाल मेल जोल नहीं कर सकते, उन्हां नू अड्री बस्ती विच रहना पैंदा है अते किसे नू उसू कह देना उस दी निरादरी करना है। जापान विच एटा नामी फिरका अछूत है, उन्हां विरुद्ध इत्थों तक तुअसब है कि जे शब्द एटा वरतना ही पवे ता दब्बी जुबान विच वरत्या जांदा है, ओह पशुआं बराबर समझे जांदे। पिंड तों बाहर अडरी बस्ती विच वसदे दूसरियां नालों निखेड़न लई उन्हां नूं वक्खरी किस्म दी पोशाक पहननी पैंदी, अपने भाईचारे दे अंदर ही शादी कर सकदे, होरना जमातां नाल भाईचारक मेल जोल ना कर सकदे अते सिर्फ हनेरे समय घरों बाहर निकल सकदे। भारती अछूतां नाल सब तों नेड़े दी मिलदी मिसाल बर्मा दे मंदरां दे गुलामां दी है। पगोडा बर्मी मंदर दा गुलाम उम्र भर लई गुलाम हुंदा है
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਗੋਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰੈਵੀਲੂਟ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹਟਨ ਅਫਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਟਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਸਿਰ ਪੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਮੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੇਲਾਗ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਮ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਥੀਓਡੋਸੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਈਸਵੀ 287 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਿੰਦੀ ਆਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਆਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈਰਾਨ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਾਚੇ ਨਾਚੀਆਂ, ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਚੀਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੂਰਬ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਫੜਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਜਦ ਤੀਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੋ ਜਨਮੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੂਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਮ ਸਨ।
छंदोग्य उपनिषद चार एक मुताबक सब तो वध परहेजगार ब्राह्मण भी अपने खून नू शुद्ध रखण दे बहुते पाबंद नहीं सन। पर जिमें जिमें समा बीतता गया जातां एक दूजे तो जोर ला के निखर दिया गईयां, इस लई कि वह आपस विचकार ना शादी करन अते ना खाण पीण दी सांझ रखन। हर एक दा अपना विशेष पेशा भी वखरा है। बुद्ध मत दे ढल जाण पिछों पुरातन नवीन ब्राह्मणवाद ने जोर फड़िया, जिस सदका विआह शादी अते खाण पीण संबंधी रोकां वधेरे वितकरे वालियां ते कठोर हुंदियां गईयां, सगों पिट ते छूतछात वर्गियां नवियां रोकां आ शामिल होईयां। इस तरह जात पाति प्रबंध दुनिया भर दियां सोसाइटियां विच्चों सब तो वध वितकरे वाला ते दर्जा बदर्जी वाला समाज बन गया। यह पड़चोल स्पष्ट तौर उत्ते जाहर करती है कि भारतीय समाजिक विकास नूं शकल देण अते तक्कण वाली कोई निराली ते जबरदस्त शक्ति सी जो दुनिया विच होर किधरे इस तरह अमल विच नहीं आई। दूजा, लगातार चालू नवाउण वाला अमल। कहा जाता है कि जो आर्या लोग हिंद विच आए वह मानते सन कि वह सब इक्के बजुर्ग मनु नाम की औलाद सन। जदों हिंदी आर्या विच जमाती वंड कायम हो गई तो शुरू विच क्षत्री ते वैश भी ब्राह्मण की पदवी प्राप्त कर सकते सन। मनु मानता है कि शूद्र भी राजा हो सकता है अते ह्यून सियांग वैश अते शूद्र राजियां दियां मिसाला देंदा है। यह ठीक है कि जो आर्या भारत आए वह शुरू तो इत्थों दे काले ते नक फीने असली वसनीकां नूं नफरत करदे सन। शुद्र ते अछूत बहुते बने ही इन्हां असली वसनीकां विच्चों सन, इस करके वह जात पाती प्रबंध दे ग्राउण ते निवाउण वाले अमल दा सब तो वध शिकार होए। स्पष्ट है कि उन्हां विरुद्ध वितकरे दा कारण नस्ली तुअसब सी। पर नोट करन वाला नुकता यह है कि समय दे बीतन नाल जात पाती दा लोकां नूं ग्राउण वाला चक्कर अपने ही जोर नाल चली जाण वाली मशीन दी तरह चालू हो गया। एक वेर यह चक्कर चालू होने की देर सी कि इसने हौली हौली ब्राह्मणा तो इलावा बाकी दे आरिया नूं भी अपनी लपेट विच लैना शुरू कर दिता। सब तो पहलों क्षत्रियां नूं लपेट विच लिया गया। हिंद आने वाले आरिया लोकां विच शुरू विच क्षत्री भी लीडर सन, पर पिछों आरिया लोकां दी दर्जा बदर्जी विच इन्हां दा रुतबा घट गया। भारत की राय है कि देश विच जद वड्डे घेरे वाले राज कायम होए ता उन्हां तनखाहदार सिपाही भर्ती किते। इस कारण पुराने क्षत्रियां दी पोजीशन नूं जरूर हिलाउणा लगा होवेगा। यह भी एक सहायक कारण होवेगा ते होर कारण भी होणगे, पर ऐसे हालात हन जो जाहर करदे हन कि ब्राह्मणा ने गिण मिथ के क्षत्रियां नूं डेगण दी कोशिश कीती। सब तो पहला कदम ब्राह्मणा ने यह चुकिया कि पवित्र रस्मां दे ओह वाहद कारदार बन गए। सब तो पहले समय विच एक रिशी ते एक पुजारी विच भिन्न भेद नहीं सी। पिछों जदों पुजारी जमात अडरी कायम हो गई तां वी पवित्र रस्मां करनियां किसे जद्दी जमात दा वाहद हक नहीं सी। एक ऐसा भी समा सी जदों ब्राह्मण ते क्षत्री दोवें भजन उचारदे सन अते पवित्र रस्मां करदे सन। क्षत्री कई वेर ब्राह्मणा दे गुरु भी होए सन, पर पिछों पवित्र रस्मां दी कारगुजारी ब्राह्मणा ने निरोल अपने हत्थां विच लै लई। मनु ने यह फैसला दिता कि वेदा की सिक्ख्या केवल ब्राह्मण दे सकता है अते क्षत्री कदे भी ब्राह्मण दे कसब नूं हाथ ना पाए। यह ऐलान लफजी नहीं सी, यह सनातनी सोसाइटी का पुख्ता नियम बन गया। क्षत्रियां ने सिर्फ धार्मिक पदवी ही नहीं सी गवाई, समय दे चक्कर नाल ओह अपनी उच्ची भाईचारक ते राजसी पदवी भी गवा बैठे। बोधी साहित विच क्षत्रियां नूं ब्राह्मणा नालों उच्ची पदवी दित्ती गई है, जिस तो जाहिर हुंदा है कि भाईचारक रुतबे विच क्षत्री घट्टो घट ब्राह्मणा दे बराबर सन। यह गल इस हकीकत तो भी स्पष्ट हुंदी है कि राजसी ताकत क्षत्रियां दे हत्थां विच सी अते अपने समाजिक हक मनवाउण लई ब्राह्मणा नूं राजसी ताकत दे सहारे दी लोड़ सी। खैर कुछ भी होवे, यह हकीकत साफ है कि क्षत्रियां ते ब्राह्मणा विचकार समाजिक रुतबे दी किसे ना किसे तरह हेठली उतली हुई। यह गल अर्थ भरपूर है कि बुद्ध मत क्षत्रियां दी ब्राह्मणा विरुद्ध बगावत वजों उठिया,
इस करके यह अनुमान ला लेना बेथवा नहीं कि ब्राह्मणा ने बुद्ध मत नूं हराउण लई जो जतन किया वह कछत्रियां नूं हराउण दे घोल का एक अंग सी। एक होर गल यह कि कछत्रियां दी थां राजपूतां ने मली, भावें राजपूतां दे मुढ दा यकीनी पता नहीं लगता, पर यह हकीकत है कि राजपूतां दी चढ़त उस समय होई जदों पिछां खिचू ब्राह्मणवाद ने बुद्ध मत दे ढैण पिछों सर चुकिया। ब्राह्मणा नूं इह पुगदा सी कि राजपूत कछत्री दी थां मल लैण, क्योंकि राजपूत नवें नवें उठे सन अते उन्हां हथ राज सी ते समाजिक रुतबे सजरे सजरे आए सन, इसलिए अपने रुतबिया उत्ते धार्मिक प्रवानगी दी मोहर लवाउण लई कछत्रियां दे मुकाबले राजपूत ब्राह्मणा उत्ते वधेरे निर्भर सन। कुछ भी होवे, इह गल तां स्पष्ट है कि कछत्रियां दे डिगण उत्ते ब्राह्मणा दे मत्थे वट नहीं पिया, बल्कि ब्राह्मण दा साहित इस उत्ते माण करदा है कि उन्हां दी जात दे परशुराम ने कछत्रियां दा घाण बच्चा पीड के जात वरण नूं फिर कायम कीता अते कछत्रियां दी थां एक नवीं बनाई राजसी सरदारी जात नूं स्थापित कीता। मन्नू कछत्रियां दियां उन्हां जातां दे नाम गिण के लिखदा है जो हौली हौली चौहां जातां विच्चों सब तों नीवी थां इस करके डिग पईआं क्योंकि उन्हां पवित्र रस्मां नहीं सी कीतीआं अते ब्राह्मणा दा माण नहीं सी कीता। सगो ब्राह्मण यह दावा करते हैं कि असली कछत्री जात मलिया मेट हो चुकी है अते जिन्हां नूं कछत्री होण विच शुमार कीता जांदा है वह दरअसल गिरी हुई नस्ल हन। दूजी आर्या नस्ल की अपनी श्रेणी जो ब्राह्मणवाद के गिरावटी चक्कर की लपेट विच आई वह सन वैश। वेदां दे विष जिन्हां नूं पिछों वैश कहा जाण लगा एक जात तक सीमित नहीं सन, आर्या लोकां दी वसो सवाए उन्हां दे जिन्हां दा पेशा पुजारीपन जां हकूमत करना सी सारी दी सारी वेशां विच शामिल सी। कौम दे आजाद आदमियां विचों बहु गिणती उन्हां दी सी। जात पाती प्रबंध ने हौली हौली उन्हां वैशां नूं नीवियां करदियां करदियां ऐसी घटिया पोजीशन उत्ते पहुँचा दिता जिस दी हद शूद्रां दे रुतबे नाल लगदी सी। ऐत्रिया ब्राह्मण ग्रंथ मुताबक उस विश दी कमाई ते होर पलेगा अते उस नूं मर्जी अनुसार दबाया जा सकेगा। भगवत गीता औरतां वैशां ते शूद्रां नूं इक्के ऐसी श्रेणी विच मिथदी है जिन्हां लई परमेश्वर ने मुक्ति दा दरवाजा भगती राही खोलिया है। वैशां दी बहु गिणती किसानां दी सी। एक ख्याल यह है कि उन्होंने इस करके नीवियां किया गया क्योंकि हल वाहन नाल कीड़े मकौड़े मरते सन। जे यह ख्याल ठीक होवे तां इस तों पता लगता है कि सनातनता दे दिल विच अपनी ही आर्या नस्ल की बहु गिणती दे लोकां लई कितना घट दर्द सी क्योंकि उन्होंने एक निगूणे वहम के आधार उत्ते नीवियां किया गया। ब्राह्मणवाद के गिरावटी चक्कर की लपेट विच आउण वाली आर्या नस्ल की तीसरी श्रेणी सी उन्हां दी अपनी इस्त्री जाति। आर्या लोकां दीआं उच्चीआं जातां ने अपनीआं ही जातां दीआं इस्त्रियां वल जो रवैया धारण कीता उपर दसे निर्णय नूं उघेड़ के रख दिंदा है क्योंकि आम हालातां विच जो आदमी उन्हां इस्त्रियां वल नरम रवैया नहीं धारण कर सकदा जो उस दीआं निजी रिश्तेदार होण उस दा बेगानिआं नाल वरतारा किवें चंगा हो सकता है। जिस किस्म दा वरतारा कोई सोसाइटी अपनी इस्त्री जाति नाल करदी है उह वरतारा उस सोसाइटी दे तरक्की पसंद होण दा माप समझिया जांदा है। होर वड्डी उघेड़न वाली हकीकत यह है कि इस्त्री जाति नूं नीवियां करन दे चक्कर विच जात पाती दबाओ दी वरतों ते कानून कायदियां दी मार सब तों वध उच्चियां जातां दीआं इस्त्रियां नूं पई। हिंदी आरियां दीआं इस्त्रियां दे धार्मिक अते भाईचारक हक जे कदे आदमियां दे बराबर सन तां इह समां बहुत थोड़ा रहा जापदा है क्योंकि इस्त्री जाति दी पोजीशन नीवी करन दा झुकाव बहुत पहले समय शुरू हो जाण दे निशान मिलदे हन। कीथ लिखदा है, हिंद विच सब धर्मां ने इस्त्री जाति नाल धक्का कीता है पर जितनी ब्राह्मण ग्रंथां दे समय दे ब्राह्मणा ने इस्त्री नाल घृणा कीती होर किसे ने उतनी नहीं कीती। जे इस्त्री जात नाल वरतारा सभ्यता दा माप हुंदा है ता आउण वालियां नस्लां ब्राह्मण ग्रंथां दी सभ्यता दे विरुद्ध फैसला देणगियां।
मैत्रेयी संहिता स्त्री नूं पाप करार दिंदा है। सतपत ब्राह्मण ग्रंथ स्त्री शूद्र कुत्ते अते कां नूं झूठ दा नमूना मानदा है। स्त्री कदे आजादी दे योग नहीं। मनु ने स्त्रियां नूं आदमियां दे तकरीबन गुलाम बना दिता। उसने नीयत किया कि पति दा अपनी पत्नी उत्ते पूरा अधिकार है, वह उसनू मार पिट सकता है। जे पत्नी जरा भी कौड़ी गल करे तो उसनू इकदम त्याग सकता है। अते पत्नी लई उचित है कि वह अपने पति दी देवता समझ के पूजा करे, भावें उस विच कोई गुण ना भी होवे, अते भावें वह बेगानियां स्त्रियां नाल ऐश माणदा होवे। कुछ होर समा लंघन पिछों स्त्री नू जंजू पाउण दी रसम करन अते वैदिक साहित पढ़न तो वांझिया कर दिता गया। इस तरह स्त्री नू शूद्र दे दर्जे तक पहुँचा दिता गया। घट्टो घट धार्मिक पद्धर उत्ते अते इस दी तस्दीक भगवत गीता करदी है। डुबाइस 17वीं सदी बारे पुष्टि करता है कि स्त्री नू घरेलू जिंदगी विच घटिया दर्जा दिता जाता है। विधवा विआह दी मनाही मनू ते यजनावा लक्या ने कीती। अमली वरतों विच विधवा विआह ना करना जातां दे भाईचारक रुतबे दी कसवट्टी बन गई है। जेड़ियां जातां विधवा विआह नहीं करदियां सिर्फ ओह माण प्राप्त करदियां हन। जेड़ियां उच्चियां जातां विधवा विआह करन लग पैण उन्हां दा समाजिक रुतबा नीवा हो जांदा है। अते विधवा विआह दी मनाही नीवियां जातां लई ब्राह्मणा दी सोसाइटी दी व्योंत विच अपना दर्जा उच्चा करन दा साधन बन जांदी है। शास्त्रां जां सिमरतियां ने सती दी रस्म दी प्रवानगी नहीं दित्ती, पर इह बहुत पुराना रिवाज है। महाभारत ते यूनानी लिखारियां ने इस दा जिक्र कीता है। पिछों आ के इस नूं माड़ी जिही किस्म दी धार्मिक प्रवानगी भी मिल गई, क्योंकि पिछों लिखे गए विसाखां ग्रह सूत्र अते पिछों लिखियां गईयां साखां अंगीरास दाक्षा ते व्यासा वर्गियां सिमरतियां ने इस रिवाज नूं मंजूरी दित्ती है। खैर, एक गल तां साफ है कि इस रिवाज नूं हिंदू सोसाइटी ने उतना बुरा ना मनाया जितना इस नूं यूनानी वेखण वालियां ने। इस दे उल्ट हिंदी इस रिवाज नूं एक किस्म दे माण दी भावना नाल वेखदे सन। इस रिवाज नूं जात पाती रुतबा कायम रखण जां वधाउण लई वरत्या जांदा, क्योंकि यह रिवाज बहुता हाकम ते क्षत्री जातां विच प्रचलित सी। उच्चियां जातां विच जवान होण तों पहलों लड़की दी शादी ना करन नूं पाप समझिया जांदा अते लड़कियां दे बाल विवाह दा रिवाज भाईचारक रुतबे दे उच्चे होण दी निशानी समझी गई। इस काम विच भी जात पाती दी परंपरा बहुत दबाव पाउंदी है। लड़कियां दे बालपन दी शादी दे रिवाज नूं भी धार्मिक प्रवानगी मिली हुई है। मनू यह नीयत करता है कि 30 साल की उम्र का आदमी 12 साल की कुंवारी लड़की नाल अते 24 साल की उम्र का आदमी 8 साल की लड़की नाल शादी करे। यजना वालकेयर इस उत्ते जोर दिंदा है कि लड़कियां दी जवान होण तो पहला शादी की जाए। बाल हत्या का घोर ते भैड़ा रिवाज केवल हिंद विच ही नहीं दूसरे मुल्कां विच भी सी, पर इत्थे इस्त्री जाति विरुद्ध धारण किए गए धार्मिक रवैये ने इस रिवाज नूं वधाउण विच हवा दित्ती। धार्मिक ग्रंथ लड़कियां दी पैदाइश बारे अफसोस जाहर करदे हन अते लड़कियां नूं बिपता दा वसीला समझदे हन। जात पाती प्रबंध ने जो रुतबे दी लालसा नूं चमकाया उस नाल इह बुराई होर तिखी हो गई। होरना मुल्कां विच बाल हत्या दा मूल कारण गरीबी सी, पर हिंद विच बाल हत्या वधेरे करके राजपूतां वर्गियां उच्चियां जातां करदियां। अंग्रेज़ां ने 1829 विच बाल हत्या नूं रोकण लई सख्त कानून बनाए। इस दे बावजूद 1869 विच राजपुताने दे 22 पिंडां विच 284 लड़कियां दे मुकाबले केवल 33 लड़कियां सन। 1836 दी इक गिणती विच राजपूतां दे कुछ इलाकियां विच 10,000 दी आबादी विच एक साल तों वड्डी उम्र दी एक भी लड़की ना मिली। जात पाती दा जो गिरावटी चक्कर चलिया इस दे दो पहलू खास ध्यानयोग हन। भाईचारक पिछां खिचू शक्ति जात पाती सिस्टम नूं चलाउण वाली एक सदीवी कायम रहण वाली शक्ति बन गई, क्योंकि सदिया बद्दी यह सोसाइटी लगातार इक्के सेध वल तुरदी रही
ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਢੂੰਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਆਮਣ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੂਨਾਂ ਸ਼ਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਅਸਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਜਾਤ ਆਪਣਾ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਰੁਤਬਾ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੇ। ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਵੇਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕਈ ਵੇਰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤੀ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਤੀ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੱਕਾ, ਬਲਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹਿਸ਼ ਖੋਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਰਾਂ ਜੋ ਰੁਪਏ ਮਗਰ 6 ਸੇਰ ਵਸਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ 10 ਸੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਰੁਤਬਾ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਘੋਲ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਉਪਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜਿਆਂ ਬਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਂਡ 3 ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਾਸਟ ਆਈਡੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਸਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਝੁਕਾਅ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੇਲੋੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬੇਲਚਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਐਸੇ ਜਮਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,
पर मुख तौर पर यह सिट्टा इन्हां देशां दीआं आर्थिक शक्तियां सदका निकलिया। भारत विच वी ब्राह्मण जाति दे समाजिक ते आर्थिक हितां ने जात पाती ढांचे नूं भावें शुरू ना भी कीता होवे पर इस नूं पक्का करन विच इन्हां दा कुछ हथ सी, पर समुचे तौर पर जात पाती भावना आर्थिक हितां उत्ते भारू सी। इस दा पता इस गल तो लगदा है कि जद भी लोकां दे जात पाती ते आर्थिक लाभां दा आपसी टाकरा हुंदा है तां उह आर्थिक लाभ नूं छड्ड के जात दा पल्ला फड़ी रखदे हन। खेती भावें लाभकारी भी होवे पर राजपूत लई हल चलाउणा नीवें पद्धर दा काम सी, इस लई उह इह किता नहीं सी अपणाउंदा। राजपूतां विच गरीब तबका ही वाही दा काम करदा सी। इबत्सन ने बारने दी कांगड़ा रिपोर्ट विच्चों लम्मे हवाले दे के यह जाहर कीता है कि पंजाब दियां पूर्वी पहाड़ियां दे राजपूत किवें अपनी जात ते रुतबे नूं कायम रखण दी खातर दुख भोग सकदे हन। बंदा यह देख के उदास हो जाता है कि राजपूत किस हठ नाल ते किस हद तक तअसब दे खोबे विच खुबे हुए सन। उन्हां दे दुबले शरीर ते मैले कपड़े इस गल दे गवाह हन कि जिस गल नूं ओह जात पाती पवित्रता समझदे हन उस नूं कायम रखण लई उन्हां नूं किस दुरदशा विच्चों लंघना पैंदा है। पहाड़ियां उत्ते बेहिसाबी रक्कड़ जमीन पई हुंदी है अते जो भी उस उत्ते खेती करे उस तों अपनी रोजी कमा सकदा है, पर इस उत्ते वाही करन नाल इन्हां राजपूतां नूं अपने प्यारे समाजी रुतबे दे खुसन दा डर है। इस करके इह राजपूत होर कोई भी दिन कट्टी वाला काम तां कर सकदे हन पर वाही करन दे अपमान नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदे। इह वी बड़ा अहम नुकता है कि जात पाती विचारधारा ने भारती आर्थिकता नूं अपनी समाजिक डब्बाबंदी दे सांचे अनुसार ढाल लिया। होर देशां वाकुर इत्थे जात पाती वर्गे वितकरे जमाती वखरेवियां विच नहीं बदले, इत्थे तां गेड़ ही उल्टा चलिया। भारत विच तां जमाती वखरेवियां ने सगों जात पाती वितकरियां नूं पक्किया करन विच मदद कीती। जात बल्कि इस नूं उप जात सब कास्ट कहना वधेरे वाजब है। केवल एक समाजिक जुट नहीं सी सगों किसी हद तक एक आर्थिक जुट भी सी। एक उपजाति दे बंदे आम तौर ते एक पक्के जद्दी पेशे नूं ही अख्तियार करन लई मजबूर सन। वक्ख वक्ख उपजातां दे लोकां विचकार आर्थिक रिश्ता सुतंत्र तौर उत्ते जां मन मर्जी नाल कायम नहीं सी हो सकदा। इह जात दे मुताबक तय हुंदा सी। इह ठीक है कि इस तरह पैदा होण वाली आर्थिक हदबंदी उस भाईचारक हदबंदी नालों घट सख्त ते वधेरे लचकदार सी जो समाज दे जात पाती प्रबंध कारण पैदा हुंदी सी। मुख तौर ते आर्थिकता दी डब्बाबंदी दा नमूना जात पाती सांचे दी समाजिक वंड नाल मेल खांदा सी। आर्थिकता दी इह डब्बाबंदी जात पाती समाजिक वंड नूं पक्का करन विच सहायक होई। इस तरह इन्हां दोहां आर्थिक ते समाजिक वंडां ने एक दूजे नूं मजबूत बनाया ते जात पाती ढांचे नूं इन्ना पक्का कर दिता कि इह बदलिया नहीं सी जा सकता। आर्थिकता दे जात पाती सांचे नाल मेल खान दे दो निर्णयकारी नतीजे निकले। इस नाल मशीनी काढ़ां टैक्नोलॉजी दी खुली ते सुखावी तरक्की रुक गई क्योंकि जात दे विकास दे आम झुका किसी वड्डी तब्दीली दे अनुकूल नहीं सन। इसलिए मशीनरी दीआं काढ़ां नूं कोई हुंगारा नहीं सी मिलदा। किसी भी नवी काढ़ नूं कई वेर कारीगर दे वड्डे वडेरियां विरुद्ध पाप समझिया जाण लगा। इस करके ही टैक्सला दी खुदाई विच्चों मिले गहणियां घरेलू वरतों दीआं चीज़ां अते सधारण धंदियां विच वरते जाण वाले संदां दी शकल 19वीं सदी तक भारत विच वरतियां जाण वालियां इन्हां चीज़ां नाल मिलदी है। जदों पछमी कारीगरी दा प्रभाव पिया उदों ही इन्हां दीआं शकलां दे नमूने बदले। दूजी गल जो मैक्स वैबर ने दसी इह है कि शहरां दे वाधे अते बुद्ध धर्म ते जैन धर्म दे पैदा होण दे समें भारत विच किता जथेबंदियां दा काफ़ी वाधा हो चुका सी।
ਕਿੱਤਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਉਸ ਕਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਤੁਅੱਸਬ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਤੁਅੱਸਬ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਤੁਅੱਸਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡੱਤਣ ਦਾ ਘਮੰਡ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਮਤਲਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਜਾਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਨੁਹਾਰ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਵਾਏ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੂੜੇ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡਾਲ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪੌੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿੱਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚਮਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹੋਲਿਆ ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੈਰੂਮਾਨ ਅਛੂਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਸਲੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੰਡਾਰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸਲ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਗਾਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੇਵਲ ਸੂਰਬੀਰ ਜਮਾਤਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਤੁਅੱਸਬ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਪਣ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਦਕਾ ਨਸਲੀ ਤੁਅੱਸਬ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾਪਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੀੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਲ ਦੇ ਐਨ ਬਰਖਲਾਫ ਸੀ।
होरना देशां विच नस्ली मिलावट दे नाल नाल नस्ली तुअसब घटते रहे हन, वधदे उक्का नहीं रहे। फिर केवल हिंद विच इह गंगा उल्टी क्यों चली? इह उल्टी चाल ब्राह्मणवाद की अपनी गैर कुदरती घाड़त सी। इहो भेद है जिसनूं असां समझना है। वेदां दे समय तक जद आरिया लोकां दा इत्थों दी स्थानक वस्तों नाल मेल होया, नसल ते रंग दी भावना उनां दे मन विच तां हद दर्जे दी होवेगी, पर वेदां दे भजनां विच जातां दा कोई खास जिक्र नहीं मिलदा। देवदास जां शूद्र भी कई वेदक भजनां दे रचनहारे होए हन। जातां दे आपसी मेल ने जद्दी पुश्ती सिलसिले नूं इस तरह ढक दित्ता सी कि वेदां दी गवाही अनुसार आचरण दी पवित्रता ही उच्ची जद दा प्रगटावा समझी जांदी रही। मनु दे कानून ने ब्राह्मणा खत्रियां ते वैशां नूं शूद्रां दीआं इस्त्रियां अपनाउण दी खुल दे दित्ती। इस तों स्पष्ट है कि इह कानून आरियां लोकां दी उहनां तों पहलों दे भारती काले रंग दे वसनीकां वल विशेष नफरत जाहर नहीं करदा। यह भी नोट करने वाली गल है कि अफ्रीका विच शुरू दे समयां विच जिथे किते चिट्टे रंग दी नसल दे लोक गए, उत्थे भारत वांग जातां नहीं पैदा होईयां। जे उत्थे नसली जां रंगत दे फर्कां नहीं जात पात पैदा करनी हुंदी, तां भारत विचले मुढले वसनीकां ते आरिया विचकारले नसली फर्कां नालों अफ्रीकी हबशियां ते कारकेशी नसलां दे फर्क वधेरे उगड़वे सन। डॉक्टर केतकर यह नतीजा कढ़दा है कि सारी आरिया नसल ते अखौती द्रावड़ी नसल सब आरिया सन। चमड़ी दे रंग दी विशेषता बहुत पहलां खत्म हो चुकी सी। जे जात पात सिर्फ आरिया नसल दे लाभ नूं ही मुख रख के बनी हुंदी तां खत्रियां वैशां ते आरिया इस्त्रियां नूं क्यों छुटियाया गया? यह मन्नी हुई गल है कि ब्राह्मणा ते खत्रियां विचाले उपरला दर्जा हासिल करन खातर लंबे समय तक घोल चलदा रहा, जिस विच आखर खत्रियां नूं हार हुई। ना सिर्फ ओह उपरला दर्जा हासिल करनों ही रह गए, सगो एक जमात दे तौर ते उना दी समाजिक ताकत लगभग खत्म हो गई। ब्राह्मणा ते खत्रियां विचला यह घोल जे एक घरोगी घोल की हदबंदी अंदर हुंदा तां इसनों एक सधारण वाक्य समझा जा सकता सी, क्योंकि दूजियां समाजां विच अक्सर इस तरह हुंदा रहा है। पर ब्राह्मणा ने उना राजपूतां नूं अपना लिया जिन्हां ने हुणे सिर चुक्या सी ते जिन्हां दे आरिया होण बारे यकीनी नहीं है। गैर आरिया राजपूतां ने आरिया खत्रियां दी थां मल्ली। समाजिक पौड़ी उत्ते इस तरह राजपूतां दा उपर चुक्या जाना बड़ी अहम गल है, क्योंकि जात पाती दा वड्डा मुहान आर्य जाति दे वड्डे हिस्सियां दा दर्जा घटाउण वल सी, पर इस दे उल्ट उन्हां राजपूतां दा दर्जा उच्चा किया गया जिन्हां दे असल आर्या होण बारे भी शक है। इस तरह यूनानी, हून, शाक, गुजर ते होर विदेशी जातियां नूं सिर्फ हिंदुआं विच शामिल ही किया गया, सगों कुछ नूं तां ब्राह्मणा ते सूरबीर जमातां विच शामिल करके जां उन्हां दीआं नवीआं शाखां बना के उच्चा समाजिक दर्जा दिता गया। इस तरह कुछ आरिया लोकां नूं हेठां डेगण अते कुछ नवें शामिल होण बारे गैर आरिया नूं उच्चा दर्जा देण दा एक दूजे दे उल्ट वाला सिलसिला चालू सी। इस तों साफ पता लगता है कि भारतीय समाजिक तौर नूं चलाउण वाली मुख शक्ति नस्ली भेदभाव नहीं सी। इस दे बावजूद आरिया खून की पवित्रता नूं कायम रखण दा ढकौंसला रचिया गया ते जारी रहा। यह ढकौंसला जिंदगी दी अमली वरतों नाल मेल नहीं सी खांदा, क्योंकि आरिया ते गैर आरिया खून दी वड्डे पैमाने उत्ते मिलावट हो चुकी सी। नस्ली पवित्रता वाले विचार दे मुदईयां नूं वी इस गल दा पता सी, क्योंकि जंजू पवाउण दी रस्म दो जन्मियां विच सवाल करन लई कीती जांदी है। दो जन्मे ट्वाइस बोर्न दा अर्थ ही आरिया नसल विच दुबारा जन्म लेना है। मतलब यह कि नसलां दी आपसी मिलावट कारण जद आरिया खून दी पवित्रता शक्की हो गई, तां इस खून दी पवित्रता बारे विचार नूं ढकौंसला घड़ के ठुमणा देना जरूरी सी। भावें समाज दी अमली नसली बनतर इस नूं चुठलाउंदी सी, पर फिर भी एक ढकौंसला कायम रख्या गया, क्योंकि सब तों वड्डी लोड़ समाजिक निजाम दी उस ना बराबरी नूं कायम रखना सी
जिस नूं आर्य खून की खौती पवित्रता की नींह उत्ते उसारिया गया सी। अज असी इस किताब के कुल 22 पन्ने पढ़ चुके हाँ। कल नूं दोबारा हाजिर होवांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।